फिर जा चुकी न्यू फोर लाइन हाईवे रोड पर सुल्तानगंज कल्याणपुर बरियारपुर इन एरिया इलाके क्षेत्रों में जहां जहां पुल पुलिया के चिन्हित होना था पुल पुलिया का काम लगभग पूरा हो रहा है, जो बचा खुचा है वो भी हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मुंगेर में जा चुके न्यू फोर लाइन हाईवे रोड पर एनटीपीसी कोयला की छर्राख से जो मिट्टी भर रहा है, ये जो देख रहे हैं इसके बराबर जरूर एनटीपीसी कोयला की छर्राख बराबर किया होगा। पिछले कई महीनों से जब से पछिया की हवा झोंका चलता है तो उस पछिया की हवा की झोंका में एनटीपीसी कोयला की छर्राख हवा में उधिया जाता है, यानी उड़ जाता है। न जाने कितने कोयला की छर्राख हवा की झोंके में उधिया गया होगा और इस एरिया इलाके क्षेत्रों में कितना प्रदूषण फैला होगा। हम कुछ सैटेलाइट के नजर से वीडियो दिखाने की प्रयास करते हैं, देखिए इस वीडियो को किस तरह से हवा की झोंके में एनटीपीसी कोयला की छर्राख उड़ रहा है। इस तरह है लग रहा है कि ये है ठंड शीतलहर जोन, ये ठंडी का सीजन नहीं है। ये जो हम देख रहे हैं उजला उजला सफेद सफेद आसमान नहीं है बल्कि ये धूल है। ये धूल इस एरिया में ना जाने कितने दूर तक प्रदूषण फैलाया होगा। ये रोड का ही एक वाहन है जो कि जिस तरह ये वाहन जा रही है ठीक इसी तरह कई सैकड़ों वाहन चलती है। तो जब हवा की झोंका चलती है तो इस तरह कितनी धूल उड़ता है। आपने कई तरह के स्टोरी कहानी सुने हैं कि आंधी तूफान में बड़ा बड़ा पेड़ टहनी गाछ वृक्ष टूट गया और साथ में 44 लाख पावर वोल्टेज वाले बिजली वाली टावर गिर गया। एसपी शिमला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर स्ट्रक्चर पुल सुल्तानगंज का गिर गया था। ये सब तो कहानी आपने एक मजाक की तरह सोचे समझे सुने हैं, लेकिन आपने ये नहीं सुने हैं पिछले कई महीने पछिया हवा की झोंके में एनटीपीसी कोयला की छर्राख उड़ गया। ना जाने कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। मुंगेर मिर्जा चौकी न्यू फोर लाइन हाईवे रोड पर एनटीपीसी कोयला की छर्राख से मिट्टी भराया कर रहा था। हवा के झोंके में एनटीपीसी कोयला की छर्राख कितना उड़ गया, ना जाने इस कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ। जैसे इस बात को पता चला कि एनटीपीसी कोयला की छर्राख हाईवे रोड पर से हवा के झोंके में उड़ रहा है, तब से कंपनी ने इस एनटीपीसी कोयला की छर्राख पर रोक लगा दिया, लाल मिट्टी से भरना चालू कर दिया।